कर्ज के लिए शहबाज सरकार 21 बार आईएमएफ के सामने रिक्वेस्ट कर चुकी है, हाथ जोड़ चुकी है, पर नतीजा निल बटे सन्नाटा है। अब इस्लामाबाद के सामने डिफॉल्ट होने से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान के बजट पर आईएमएफ की नाराजगी के बाद अब कर्ज मिलने की उम्मीद भी टूट चुकी है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कटोरा लेकर तैनात किया है। हालांकि ये वित्त मंत्री अब अपने प्लान ए और प्लान बी में बुरी तरह फंस चुके हैं और इस्लामाबाद में पब्लिक यही कह रही है कि पाकिस्तान की लंका लग गई है और पाकिस्तानी वित्त मंत्री इसहाक डार ने इस्लामाबाद को सर्टिफाइड भिखारी बना दिया। आईएमएफ से लोन मिलेगा या नहीं, इस पर इसहाक डार कंफ्यूज्ड हैं और ये देखकर पूरे पाकिस्तान का फ्यूज उड़ गया है। भीख कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी या मिलेगी भी या नहीं, ये सोच सोच कर पूरा पाकिस्तान परेशान है। रोटी का इंतजाम कैसे होगा, इसका जवाब शहबाज शरीफ भी ढूंढ रहे हैं। संकट ये है कि पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में किसी भिखारी से भी ज्यादा बदतर है। पैसा पैसा करने वाले पाकिस्तानी नेताओं ने रही सही कसर पूरी कर दी है। अब तो दुनिया में पाकिस्तान सरकार मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची। इस्लामाबाद डिफॉल्ट होगा या हो चुका है, इसी पर चर्चा हो रही है। आईएमएफ के साथ डील करने के लिए शहबाज सरकार गिड़गिड़ा रही है, पर उनके वित्त मंत्री इसहाक डार ने आईएमएफ को ही आंख दिखा दी। इसहाक डार ने पाकिस्तान में एक बैठक के दौरान कहा, हम आईएमएफ की हर बात नहीं मान सकते। वे चाहते हैं कि हम श्रीलंका बन जाएं, डिफॉल्ट हो जाएं और फिर बातचीत करें। आईएमएफ ने पहले ही बजट को लेकर शहबाज सरकार को धमकी दे दी है। आईएमएफ की माने तो उसकी इजाजत के बिना पाकिस्तान का कोई फ्यूचर ही नहीं है। आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान के बजट में कमाई का जरिया बेहद कम है। बजट में बिना वजह टैक्स छूट पर भी एतराज जताया गया है। सबसे बड़ी बात यह कही कि पाकिस्तान का बजट आईएमएफ की शर्तों के खिलाफ है। दावा यह है कि पाकिस्तान के पास प्लान बी है, यानी शहबाज सरकार अपनी कंपनियां हवाई अड्डे बेचकर पैसा जुटाएगी। इस प्लान बी के भरोसे इसहाक डार पाकिस्तान को कंगाली से बचाने का सपना दिखा रहे हैं, पर इसकी हकीकत भी अब जनता समझ चुकी है। पाकिस्तान कह तो बहुत कुछ रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। कुल मिलाकर इस्लामाबाद की लंका लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।